अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आजम मोहम्मद सलीम इस ऑनलाइन दर्स 23 में आप सबका खैर मुकदम करता हूँ। हमारा मजहब इस्लाम है, हम सब मुसलमान मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। इस्लाम के इब्तदाई जमाने में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी और इस्लाम मुल्क अरब से निकलकर ईरान मिस्र और स्पेन जैसे दूर दराज मुल्कों में फैल चुका था, इस्लामी हुकूमत के इन इलाकों को संभाले रखना बहुत जरूरी था। हुकूमत का ये निजाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कायम हुआ। इस्लामी हुकूमत के इस निजाम को खिलाफत कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिर्फ 2.5 साल खिलाफत की। उनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया। तो प्यारे बच्चों, आज हम हमारी दर्सी किताब मजमून उर्दू जमा शशुम के सबक नंबर 2 हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस सबक की मजीद मालूमात हासिल करेंगे।